कोटियारे आंध्र निर्वाचन को नहीं ओडिशा आंध्र मुहांमुही सेपटे कोटियारे 144 धारा को उल्लंघन होइतबा अभियोग आसीछे। निर्वाचन हेबा नहीं जानिबा परे सर्वदलीय नेतृबृंद सीमावासी को रोकबा को प्रयास करछन्ते। स्थानीय पुलिस प्रशासन उपस्थिति रे लोकों को बुझाई अटकाई रखबा को चेष्टा करथिले। जेउ समय रे लोके 144 धारा को उल्लंघन करी वोट देबा को जाउथिबा देखबा को मिलछे। तेज संपर्क आलोचना करने गोपाल पाढ़ी आम कोरापुट प्रतिनिधि संपर्क आलोचना भी आम सहित फोन लाइन जोड़ गोपाल गोटे पटे आपड़ जानते जे पूर्व के आंध्र जो दादागिरी देखा से सफल निर्वाचन है पुणी थे आज समान स्थित देखा मिली। राज्य सरकार कहीं आंध्र को सामना कर पाऊनापटे पुणी थे राज्य सरकार जदि कह सुप्रीमकोर्ट जा निहाती देखु निवेदिता जहाँ प्रश्न करश्चित भाव सत कथ जेहतु गोटे कथा कही रखा जेहतु चलित मस बार तारिख में फेब्रुआरी मस बार तारिख में गोटे सरपंच निर्वाचन से हाथ नहीं सारी तीन पंचायत को सफल चित्र करवर्त समय से साहस भी आसी जेहतु ओडिशा राज्य सरकार व जिला प्रशासन रेहेतु पार्टी बंद कर चुप ही बसी रहा जदि कह शारीरिक उपस्थित अच्छा कि मानसिक कह से सफल चित्र आनी ना आज चित्र आम कहू जेहतु आम बर्तन नारेडी वाल्स बर्तन बुथ केन्द्र में अच्छू ये 1271 भोटर्स 1249 भोटर्स अच्छा 1249 भोटर्स मतदान करेंगे बोली बर्तन आंध्र प्रदेश उपजिलापाल आप आईटीडी रो कथ कह तो स्थानीय पुलिस अधिकारी समस्त उपस्थित बर्तन एम सफल चित्र करेंगे बर्तमान 7-8 मतदान होती कारण मतदान तो होती कि मतदान करने स्थानीय लोक को आने पर 13 गाँ लोक आसवे मतदान देवे नहीं आंध्र पुलिस षड्यंत्र कर धोड़ीपतर गाँव को बर्तन कह आंध्र उपजिलापाल पहुंचती स्थानीय लोक धरिक आसवे भोट मतदान करेंगे पुलिस प्रशासन सहयोग में पहुंचे जेहतु ओडिशा प्रशासन पुलिस स्थानीय अंचलवासी भितर स्थानीय विधायक तारा प्रसाद बाइन पुलिस आलोचना करते पार्टी तुम्हें कथार कटाकुटी तापर ठेलापेला भी होता आंध्र पुलिस बर्तमान दादागिरी करुच्छी तो बर्तमान चुप ही देखुची। गोपाल आपड़ा सूचना देखते निर्वाचन को दृष्टि रखी कोरापुट जिला प्रशासन पक्ष पट्टांगी ब्लॉक कोटियार 22 गाँव में पाखापाखी 144 धारा जारी कर गोटे पटे आंध्र को सामना कर राज्य सरकार कौन प्रकार क्षमता ना कहीं बारंबार आंध्र तार पतियारा देखा जो जबरदस्त माड़ी बसी एपटे राज्य सरकार सामना तो कर पार ना ये जो 144 धारा जारी कर प्रहसन कौन पाई निहाते जेतो 144 धारा जेतो ना को मात्र 144 धारा जेतो चित्र देखा जाउछि जदि क्षमता अछि निहाते सेमाने तार शक्ति शक्ति रा व्यवहार करता शक्ति हाते रखि मदर जे तंबू तळे उपजिलापाल चुप हे बसी देखुछन्ति स्थानीय एसडीपी अछन्ति पटांगी एसडीपी सुनावड़ एसडीपी अछन्ति उपस्थित पुलिस अछन्ति दुई प्लाटून पुलिस जेतो 22 गाँ को जेतो मध्य रात्रि रे सीधा दुईटी प्लाटून पुलिस गोटे मालकानगिरी एसएस प्लाटून पुलिस पहुंचिले तार कोरापुट फास्ट बटालियन पुलिस भी आईआरबी पहुंचिले उपस्थित अच्छा पुलिस प्रशासन अच्छी स्थानीय पुलिस प्रशासन अच्छा ये खाली दर्पण पर ठिया अच्छा नामक मात्र जिला प्रशासन पार्टी बंद कर क्षमता हाथ में अच्छे कि कौन प्रकार कार्य करवे विफल होती ओडिशा सरकार कारण ये आंध्र सरकार पुलिस प्रशासन को स्थानीय लोक संपूर्ण सहयोग कर आंध्र जदि कह पटुसीन 13 गाँ लोक आसवे भोट मतदान करेंगे पाखापाखी ये 8 भोट बढ़ी सारे बर्तमान ये सुनसा गोपाल प्रकृत में प्रमुख कारण गुड़िक कौन कहीं जो मैंने रोचे कहीं सुविधा जगै दि जाऊनि जो मौलिक सुविधा से मिलवा कथा से कहीं सठिक परिमाण से सुविधा मिलूनी जदिओ सुविधा राज्य सरकार जोगा था आज हुए तो ये चित्र सामना को आसी न था आज से आंध्र को जा न था भोट दे न था निहाती देखो गोटे कथा कह दरा समाज रोटे ये अच्छा दरा समाज पर आंध्र सरकार जो व्यवस्था दौरान कि ओडिशा सरकार से कौन प्रकार दरा समाज से एकत्रित होती आंध्र प्रशासन को भोट मतदान करेंगे से आंध्र सरकार गढ़े से योजना पहुंच पूर्व जेहतु आम फाटुसी चित्र देखु से विभिन्न समस्या को आंध्र सरकार से जगह कोरापुट जिलार विद्युत उत्पादन होती से आंध्र सरकार से विद्युत संजोग आपंकर रास्ता संजोग कर लोकों पर पेंशन व्यवस्था करुच 2250 टाँचा गोटे पेंशन भत्ता से लोक पाए प्रत्येक गाँव में सेमानकर भलेंटरी रखिंट 30 परिवार गोटे भलेंटरी सर्वे करेंगे मासिक सेमानकर पैठ करेंगे
ସେମାନେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ସରକାର ତାଙ୍କୁ ଯୋଜନା ପହଞ୍ଚାଇବ ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତାଙ୍କର ବାରମ୍ବାର ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଦାଣ୍ଡ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛି ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଶାସନ ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ସହିତ ସେମାନେ ସମ୍ପର୍କ ଅଛନ୍ତି ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଲୋଭନ କରି ଯୋଜନା ବି ସେମାନେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି କାରଣ ସେମାନେ ଯୋଜନା ପାଉଛନ୍ତି ତା ସହିତ ସେମାନେ ଆଜି ଭୋଟ ମତଦାନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅନ୍ତି ଗୋଟିଏ କଥା ଆସୁଛି ଯେହେତୁ କିଛି କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ସୂଚନା ଆସିଲା ଯେହେତୁ ଧୂଳିପଦର ଗ୍ରାମ ଅଛି କଟିଆ ଅଞ୍ଚଳର ଆନ୍ଧ୍ର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଧୂଳିପଦର ଅଞ୍ଚଳରେ ପହଞ୍ଚିବେ ଏବଂ ସେଇଠୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାଥିରେ ଧରିକି ଆସିବେ ଏଠି ସାଧାରଣ ଲୋକ ଭୋଟ ମତଦାନ କରିବେ ତା ପାଇଁ ବହୁତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସରିଛି ଏଠି ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଶାସନ ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ କଥା ଅଛି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବା କୋରାପୁଟ ଏସ୍ପିଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଚିତ୍ର ଆମେ ଯାହା ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋ ରିପୋର୍ଟ ଯାହା ଦେଖୁଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ସ୍ଥାନୀୟ ସରକାର ଓଡ଼ିଶା ସରକାରର ଏଠି ଗୋଟେ ଗୃହ ଅଛି ଗୃହ ପାଖରେ ଲାଗି ରହିଛି ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଆଇଟିଡିର ଗୋଟେ ଗୃହ ସଭାଗୃହ ଅଛି ସଭାଗୃହ ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଥ କେନ୍ଦ୍ର କରୁଛନ୍ତି ବୁଥ କେନ୍ଦ୍ରରେ 10 ଜଣ କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ତହସିଲଦାର ଅଛନ୍ତି ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଛନ୍ତି ପୁଲିସ ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଥିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରର ଏଠି ପ୍ରଶାସନର ଅଧିକାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଛନ୍ତି ସୁନାବେଡ଼ା ଏସ୍ଡିପି ଅଛନ୍ତି ଏଠି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଗୋଟିଏ କଥା ଆସୁଛି ଯେହେତୁ ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଶାସନ ଆମକୁ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ଦେଉଛନ୍ତି ଜୀବନ ଜୀବିକା ପେଟ ପାଟଣା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଜମି ପଟ୍ଟାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭତ୍ତା ପିଲାମାନେ ପାଠପଢ଼ା ଶିକ୍ଷା ଯେହେତୁ ଗୋପାଳ ଯେ ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାର ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କୋଟି ନା କୋଟି ଫେଲ ମାରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦେବାରୁ ତେଣୁ ସେମାନେ ଆନ୍ଧ୍ରମୁହାଁ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ 144 ଧାରା ଜାରି କରାଯିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ସେମାନେ ଭୂକେପ ନ କରି ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଗୋପାଳ ପାଢ଼ୀ ଆମ କୋରାପୁଟ ପ୍ରତିନିଧି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ